हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नए निकाय के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल का यह निर्णय भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार के अनुसार इस निकाय के गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपनी आवश्यक गतिविधियों, अनुसंधान एवं विकास, ग्रहों के अन्वेषण, अंतरिक्ष का रणनीतिक उपयोग पर ध्यान दे सके और अपने अन्य कार्यों को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर सके। साथ ही यह निकाय छात्रों और शोधकर्ताओं को भारत की आंतरिक प्रणाली तक अधिक से अधिक पहुंच को बढ़ाएगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष संसाधनों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपयोग किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि यह निर्णय इसरो को अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का मौका देगा। साथ ही इसरो को अनुसंधान कार्यक्रमों पर भी अधिक ध्यान देने में सक्षम बनाएगा। इससे न केवल भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी आएगी, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। आपको बता दें कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भूमिका अब तक काफी कम रही है। निजी क्षेत्रों से सिर्फ कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सेवाएं ली जाती रही हैं और उपकरणों को बनाना, जोड़ना और परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य इसरो के द्वारा ही किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया था। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, जिसका कार्य भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। एक बात तो तय है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का समग्र विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अगर समग्र विकास करना है तो सरकार को निजी क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना होगा।